जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है सोमवार। वैसे तो आज अंशु पहलू नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई चर्चा का विषय जरूर रहता है, कोई ना कोई डिबेट प्रोग्राम जरूर रहता है हमारा। कल रविवार को अपनी बात मैंने स्टूडियो से किया था, क्योंकि मौसम ख़राब था और थोड़ा सा भरोसा कम था कि शायद लाइट चली जाए, बत्ती कब गुल हो जाए शहर में, आजकल वैसे भी पता नहीं चल पा रहा। लेकिन चलिए, कल के प्रोग्राम की बहुत सराहना की लोगों ने और कहा कि सर जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जुड़ते हैं तो अच्छा भी लगता है और अपनी बात रखने में हमें मज़ा भी आता है। और जब लोकल लैंग्वेज से आप जुड़ते हैं, और हमारी भाषा तो वैसे भी बहुत मीठी और थोड़ी सी सीधी सपाट ज़रूर है, मगर ग्राम पंचायतों में काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पदम जी भी लाइव हमारे साथ में जुड़ गए। पदम जी से शिकायत है बहुत दर्शकों को, मानते हैं कि साहब आजकल पदम जी बहुत कम लाइव चला पा रहे हैं, पदम जी लाइव में कम आते हैं। पदम जी कारण क्या है, लोग जानना तो चाहते हैं। कारण समय की वो है कि प्याऊ की प्याऊ के कारण क्या, पांच छह प्याऊ चल रही है अपनी, तो उसमें क्या ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन फिर जनता के समाचार कौन देगा, गर्मी समाचार भी देंगे। अब बरसात शुरू हो गई, अब दे देंगे, ठीक है। तो ये बात है। और कुल मिलाकर के अब मैं आपको सबसे पहले प्रदेश स्तर की खबरें बताऊंगा, लेकिन आज एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। आज हमारा प्रोग्राम है शिक्षा विशेष। यानी देखिए, इन दिनों क्या चल रहा है, बहुत कुछ उठापटक चल रही है, चाहे सत्ता के गलियारों से बात कर लो या फिर बात कर लो कि पोस्ट कोविड के बाद यानी कोरोना के बाद में अब स्कूलों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति चल रही है। अभिभावकों के दिमाग में भी हलचल है, फीस का जिन है वो फिर से बाहर निकल करके सामने आया है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हम डिस्कस जरूर करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे और उनके साथ में सीधे हम सवाल जवाब करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि आज का प्रोग्राम हर अभिभावक के लिए और हर विद्यार्थी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मुद्दा बड़ा है, पहले भी हम कई बार इसको लेकर के डिबेट कर चुके हैं, लेकिन अब समस्या क्या है, अब समस्या ये है कि जहाँ अभिभावक निजी स्कूलों के सामने खड़े हैं, वहीं निजी स्कूल अब सरकार के सामने सीना ठोक करके खड़े हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, निजी विद्यालय कई बार चुनौती दे चुके हैं सरकार को, सरकार की गलत नीतियों की वजह से। निजी विद्यालयों का ये कहना है कि साहब ऐसी नीतियां या ऐसे कानून क्यों बनाए जाते हैं या ऐसे आदेश क्यों पारित किए जाते हैं जिनसे उनके हितों पर कुठाराघात होता है। सरकार एक तरफ तो चाहती है कि निजी विद्यालयों को दड़ादड़ मान्यता दे करके और इनको खोला जाए, वहीं दूसरे रास्ते से कहीं ना कहीं इनके गले को दबाने का प्रयास किया जाता है। सरकारी स्कूलों में सारी योजनाएँ मान्य होती है, निजी विद्यालयों में जो योजनाएं हैं उनका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिलता, क्यों साहब, स्टूडेंट में फ़र्क क्यों। दूसरी बात, पहले आपको याद होगा बोर्ड की एग्ज़ाम में निजी शिक्षण संस्थान के जो अध्यापक थे उनकी ड्यूटी लगा करती थी और शानदार तरीके से वो एग्ज़ाम करवाया करते थे, सरकार ने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब केवल सरकारी अध्यापक की ही ड्यूटी बोर्ड की एग्ज़ाम में लगती है, चलिए कोई बात नहीं साहब, लेकिन फिर आप निजी विद्यालयों से फर्नीचर क्यों मांगते हैं, फिर आप निजी विद्या, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको समय रहते कई बार उठाया गया है और सरकार ने हर बार आश्वासन तो दिया है और अब राड़ अटकी हुई है आरटीई के पैसों को लेकर के। तो कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। अभिभावक का अपना दर्द है, कह रहे हैं हम फीस देने में समर्थ नहीं हैं, डेढ़ दो साल से घर पर बैठे हैं। निजी विद्यालयों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आपको फीस देनी ही पड़ेगी। तो कई असमंजस की स्थिति चल रही है और आज इन्हीं मुद्दों पर हम डिबेट करेंगे। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके सवाल हैं जो आपके जहन में चल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं और उनके जवाब आज आपको यहां मिलेंगे। अजय जी, पहले गंगापुर सिटी की जनता को एक खुशखबरी मैं दे देता हूं कि चार दिन से जो टीकाकरण बंद था वो कल गंगापुर सिटी में शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर के मैं आपकी सीधी वार्तालाप करवा देता हूं एडीएम नवरत्न जी से। तो कल का टीकाकरण होगा, 7000 डोज आई हैं गंगापुर में, चार दिन से टीकाकरण बिल्कुल बंद था सर। हालांकि जब परसों पहले दिन डोज आई थी तो उम्मीद थी कि शायद सवाई माधोपुर जिले को कुछ डोजें मिलेंगी, लेकिन नहीं मिल पाई डोजेज। और अब आज जब हमारी बात हुई है तो पता चला है कि हाँ, 7000 डोज जो हैं वो गंगापुर को मिली है और कल अलग अलग सेंटर्स पर टीकाकरण होगा। और ये कोविशील्ड आई है, कोवैक्सीन नहीं आई है, कोविशील्ड आई है। तो उसको लेकर के मैं एडीएम साहब से आपकी जो वार्तालाप है वो करवा देता हूं और वो पूरी जानकारी आपको इस बारे में देंगे। एडीएम सर नमस्कार। नमस्कार। सर, इस वक्त आप जी न्यूज़ पर लाइव हैं। एडीएम सर, टीकाकरण चार दिन से बंद था, लोगों को बहुत इंतजार है, क्या अपडेट है अब? ऐसा है,
अभी सूचना मिली है कि हमको 7,000 कोविशील्ड की डोज मिल रही है गंगापुर सिटी को। तो कल सभी पीएचसी सीएचसी में टीकाकरण होगा। इसके अलावा हमने 3 अतिरिक्त अस्थायी कैंप लगाए हैं जी कल के लिए, जिसमें एक तो नामनेर मस्जिद है, एक सेठ बाटा रोड पर एक मस्जिद है वहाँ पर लगाया है, और एक काजी कॉलोनी में लगाया है। 3 जगह लगा रहे हैं कल। ठीक है, तो कल कुल मिलाकर के यह है कि जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और कल कोविशील्ड का टीकाकरण सभी जगह पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल कल। अच्छा एडीएम सर, एक चीज और आ रही है, सालोदा के लोगों ने भी हमें कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर एक कैंप सालोदा क्षेत्र में भी लगाया जाए ताकि लोगों का वहाँ भी टीकाकरण हो सके। बिल्कुल लगवा देंगे। दरअसल क्या है, 7,000 डोज आ रही है ना। तो अब लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, लोग जागरूक हो गए, तो सभी जगह से मांग आ रही है। जो जो हमारी आपूर्ति होती जाएगी तो जो हम कैंप रखवाते जाएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि जैसे 7,000 डोज आ रही है ना, तो ये पीएचसी सीएचसी में ही कल खप जाएगी सारी। सभी डॉक्टर्स वगैरह के फोन आ रहे हैं बीसीएमओ सबके पास, हम तो एक दिन में 1,000 लोगों को टीका लगा देंगे कल। हमको पूरी उम्मीद है कि कल ये 7,000 डोज है जो वैक्सीनेशन लग जाएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और लगातार आप अपडेट हमको देते रहें जैसे जैसे भी हमारे पास डोजेज आती हैं वैसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो कल टीकाकरण का जो इंतजार कर रहे थे उनको टीकाकरण हो जाएगा, कोविशील्ड आई है 7,000 डोज और वो लगेंगी। नामनेर मस्जिद जो है वहाँ पर भी है, मतलब 3 एक्स्ट्रा कैंप भी कल लगेंगे। और अजय जी दोनों ही डोज लगेगी, फर्स्ट और सेकंड? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लगेंगी। तो आपके टीकाकरण का जो इंतजार है वो खत्म है और कल आप टीकाकरण करवाने जा सकते हैं, और बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने करवा लिया सर, कोई टेंशन नहीं है, और मुझे तो बुखार भी नहीं आया साहब, मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे तो इतना है कि एक सेकंड का काम है और कोई दर्द का काम नहीं है, बल्कि एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करें। चलिए, तो ये एक शानदार खबर गंगापुर के लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे दर्शक रोज फोन करते हैं सर सुबह सुबह, सर आज टीकाकरण हो रहा है क्या, और मेरे पास में सिर्फ यही जवाब होता था कि सॉरी सर आज टीकाकरण नहीं हो रहा, लेकिन कल टीकाकरण जरूर होगा। और सालोदा के क्षेत्र के बहुत सारे दर्शक थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि सर हमारे यहाँ भी एक कैंप लगाया जाए, तो आने वाले दिनों में उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द एक कैंप सालोदा क्षेत्र में भी लगाया जाएगा, ताकि वहाँ के जो लोग हैं घनी आबादी है वहाँ भी, तो वो लोग भी अपने आप को वैक्सीनेट कर पाएँ। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों की, और उसके बाद में फिर हम जुड़ेंगे शिक्षा जगत के जाने माने दिग्गजों से और करेंगे डिबेट। तो प्रदेश की बड़ी खबरों में मैं आपको बता दूँ, प्रदेश में अब सीएम गहलोत ने सख्त आदेश निकाल दिए हैं सभी जिला कलेक्टर्स को, और सिंगल यूज प्लास्टिक अब पूरी तरह बंद होगा प्रदेश में। खतरनाक होता जा रहा है, घातक होता जा रहा है, इसको लेकर के लगातार अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा रिजल्ट निकल करके आता नहीं है। अब सरकार अपने स्तर पर जितने कलेक्टर्स हैं उनको ये आदेश दे चुकी है कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। सीएस निरंजन आर्य है, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए हैं सभी जिला कलेक्टर्स को कि एक विस्तृत इसका प्लान बनाया जाए, प्रदूषण से मुक्ति मिले लोगों को, जैसे पराली जलाने का मामला है, ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं है, प्रदूषण को लेकर के सरकार अब सख्ती से कदम उठाने वाली है, और इसको लेकर के एक विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे इन फील्ड अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो इन सांसों को और सांसें मिल जाएं, वरना प्रदूषण ने इन सांसों को बहुत कुछ घटा दिया था और ऑक्सीजन को बढ़ा दिया था। चलिए, सीएम गहलोत ने आकाशीय बिजली से हताहत होने वाले और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, क्योंकि कल ये हादसे बहुत हुए थे सर, धौलपुर में और भरतपुर में, कोटा में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो काल का ग्रास बन गए और आकाशीय बिजली गिरने से उनका देहांत हो गया। हमारे यहाँ भी कल हमने आपको बताया था, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में काफ़ी बिजली गिरने से मौत हुई है, कभी 70 से ज़्यादा मौत हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मौतें हुई हैं, और दूसरी बात नुकसान भी बहुत हुआ है, घरों को भी बहुत नुकसान हुआ है, और ये सारी चीज़ें जब गहलोत साहब के पास पहुंची, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, और 2-2 लाख रुपए घायलों को और 5-5 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। दूसरी बात, कल हम जब अपनी बात चला रहे थे तो ब्रेकिंग भी हमारे पास आई थी, जो आमेर में हादसा हुआ था, बहुत दर्दनाक हादसा था सर, और SDRF की टीम आज भी वहाँ लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि बिजली गिरने के बाद में वो लोग उछल करके और जंगलों में गिरे हैं, बहुत सारे शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के कैजुअल्टी बड़ी थी, हादसा बड़ा था, और प्रकृति से लड़ना इतना आसान भी नहीं होता। सामने तथ्य निकल करके आया है कि जो विद्युत तड़ित चालक लगाया जाता है ना, वो भी वहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया था जिससे बचाव हो सके,
तो कई चीजें हैं। आग लगने के बाद ही सर बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती है। हमारे यहाँ तो जांच के बाद पता चलता है कि साहब फायर सेफ्टी का तो प्रमाण पत्र ही नहीं लिया गया था, ये नॉर्म्स नहीं है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया। हादसे होने का इंतजार करते हैं, फिर होती रहती है जांचें, फिर निकलते हैं तथ्य, और जो मुजरिम होते हैं या जो भी अपराधी हैं उनको अच्छा टाइम मिल जाता है साहब अपने आप को बचाने के लिए। हिंदुस्तान में जांचें ज़्यादा होती है, परिणाम कम निकल करके सामने आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और बिजली उपभोक्ताओं, हाँ ये खबर बड़ी ज़ोरदार है साहब कि अब इसमें दखल अंदाजी दे दी है जन नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। विद्युत उपभोक्ताओं को और विद्युत कर्मियों की मांगों को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज सड़कों पर उतरे, अपने निवास से लेकर के सचिवालय तक किया प्रदर्शन और मुलाकात की उन्होंने जो CMD हैं उनसे, और लगभग 7 या 8 सूत्रीय मांगे उन्होंने रखी हैं। हालांकि मैं उनको नोट करना भूल गया, लेकिन आपको पेज पर ज़रूर मिलेंगी। प्रमुख मांगे रखी हैं बिजली के बिल, BCR, महंगी बिजली, हर मुद्दे पर उन्होंने बात की है। और उम्मीद ये करते हैं अब कहीं ना कहीं सरकार के कानों में ये बात पड़ेगी और वो सोचेगी कि हाँ बिजली के बिलों ने आम आदमी का दम निकाल रखा है, इस पर कार्रवाई हो जाए तो अच्छा रहे, लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा दिल्ली की तर्ज पर कम से कम 300 यूनिट के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में बिजली दी जानी चाहिए, एक प्रमुख मांग थी उनकी। जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, असली देखे तो राज्यसभा सदस्य सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी निभा रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। ये तो सही है, फील्ड में अगर मैं सक्रिय किसी को मानता हूँ ना, कोई सांसद है, हालांकि वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन किरोड़ीलाल जी को मानता हूँ। वाकई में आम आदमी के मुद्दों को और कई चीज़ों को बहुत तरीके से और बहुत अच्छे पुरजोर तरीके से वो उठाते हैं, इसके लिए तो वाकई में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और उठानी भी चाहिए। एक विपक्ष के नाते आपकी भूमिका, देखिए सत्ता का जितना महत्वपूर्ण महत्व होता है ना सर, उतना ही विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और दोनों किरदारों को निभाना इतना आसान नहीं हो पाता, लेकिन अच्छा निभाओगे तो अच्छा चलेगा। लोग शेयर कम कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत है, आप अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहे हैं। हाँ चलिए, और प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून सक्रिय हो चुका है, लगभग हर जिले में बारिश हो रही है, हर शहर में बारिश हो रही है। हालांकि कुदरत का कहर कल देखने को ज़रूर मिला था। गंगापुर सिटी की या आसपास की बात की जाए तो आज हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हुई है, लेकिन मौसम सुहावना है, ठंडा है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी ने उमस और गर्मी ज़रूर बढ़ाई है, तो मानसून सक्रिय तो हुआ है। सरकार के फैसलों से और कई चीज़ों से नाराज़ हैं निजी विद्यालय, उस पर चर्चा मैं ज़रूर करूँगा, डिबेट पर आऊँगा। और राजस्थान में कोरोना की स्थिति देखी जाए तो आज टोटल 33 केस आए हैं, ठीक है, यानी कोरोना धीरे धीरे खात्मे की ओर है, और उम्मीद ये करते हैं कि बारिश की बूंदों में ये संक्रमण धुल करके ख़त्म हो जाए और सब कुछ वैसा कि वैसा ही जैसा पहले नॉर्मल था वैसा नॉर्मल हो जाए। रही बात तीसरी लहर की, तो कुछ नहीं सोचना सर, कोई तीसरी लहर नहीं है, कुल मिला करके दिल में जज्बा हो, कुछ करना है तो करिए, लेकिन डरने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गाइडलाइन का पालना जरूर, बिल्कुल वो जरूरी है, जरूरी है। ये CM गहलोत ने भी कहा है कि जितनी छूट हम दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फायदा उठाएं या लापरवाह हो जाएं, लापरवाही हम नहीं कर सकते। अब चलते हैं करौली की तरफ, तो पहले मैं खबरें आपको बता देता हूँ। हनी ट्रैप के मामले में देखिए, इन दिनों SP मृदुल कछावा जी जो है ना बिल्कुल एक्शन में नजर आ रहे हैं सर, हर रोज उनकी कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान तेजी से चल रहा है। हनी ट्रैप का एक मामला था, उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, और ये लोग ब्लैकमेल करते थे ठगी करके और फिर अश्लील वीडियो बना करके और पैसा मांगते थे। जो परिवादी है उसने बताया कि साहब मुझसे 10 लाख रुपए मांगे गए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। तो सलाम है मृदुल जी को, सर आपकी टीम शानदार काम कर रही है आपके निर्देशन में। सवाईमाधोपुर जिले से प्रमुख खबरें क्या हैं, तो जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अब बिजली के कनेक्शन हो चुके हैं। दरअसल 3 महीने पहले जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने जब मीटिंग ली थी और ये मांगा था ब्यौरा कि अब कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय, जिनमें बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं है और कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, है ना, हास्यास्पद स्थिति। हुआ ये कि इन 3 महीनों में उन 96 विद्यालयों में भी विद्युत कनेक्शन हो चुका है, और अब अगर पूरे जिले की बात की जाए तो अब तक 1091 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली के कनेक्शन लग चुके हैं, यानी सवाईमाधोपुर जिला इस मामले में नंबर 1 है। सभी राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन है ताकि कंप्यूटर या और जो परेशानियां हैं वो अब नहीं आएंगी विद्युत के अभाव में। गंगापुर सिटी की बात करें तो कल अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने से
जिन लोगों को पीड़ा हुई है या जिनको क्षति पहुंची है उनसे मिलने आज पहुंचे पूर्व विधायक मानसिंह गुजर ढांडस बंधाया। कल हमने आपको बताया था पिंटू खारवाल दौलतपुर में उसकी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी, तो उसके परिवार से भी वो मिले और उनको सांत्वना दी। व्यापारियों ने आज फवारा चौक और बस स्टैंड के जितने भी व्यापारी थे उन्होंने आज मास्टर प्लान 2035 को लेकर के जो अपनी आपत्तियां थी वो सभापति को दर्ज करवाई, ज्ञापन दिया। सड़कों की मुख्य जो सड़क हैं उनकी चौड़ाई को लेकर के उन्होंने थोड़ा सा बताया है सभापति महोदय को कि ट्रेक यूनियन से लेकर के उदय मोड़ तक जो सड़क की चौड़ाई है उसमें अंतर ना किया जाए बल्कि वैसी ही रखी जाए, सेम वहाँ से वहाँ तक रास्ता एक जैसा होना चाहिए, तो वो प्रमुख मांग थी। जी एक हमारे दर्शक हाँ पदम जी पीलोदा गांव में जो ठेकेदार नलों के कनेक्शन कर रहा है उसने 50 भी घरों में कनेक्शन नहीं किया और काम बंद कर दिया है। ऋषिकेश भाई बहुत अच्छी खबर आपने दी है हमको और हम उनसे सवाल जवाब ज़रूर करेंगे क्योंकि वैसे भी मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो चलिए देखते हैं कि क्या मामला है। और रोज दो करके एक ही मामला ज़्यादा आता है साहब बजट का, राजस्थान में प्रदेश में इस समय अगर कोई योजना बंद होती है ना तो सबसे बड़ी लफड़ा यही है क्योंकि कोरोना ने सर बहुत कुछ आर्थिक स्थिति है ना उसको डामाडोल कर दिया है। समय पर जब पैसा नहीं मिल पाता तो वही है। अब इस समय अपने लाइट का काम रोड लाइट का बंद पड़ा है कि चालू हो गया? बंद पड़ा है इस टाइम क्योंकि उनका पेमेंट ही नहीं दिया मिला कर्मचारी जो मजदूर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात ज़रूर करेंगे। बामनवास पुलिस भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है सर, और कल नशे के मामले में मैंने आपको बताया था कि एक आरोपी को पकड़ा है और आज भी 4 साल से एक आरोपी फरार चल रहा था। सेवा गांव का रहने वाला था ये, थाना वजीरपुर में, और सामूहिक बलात्कार के मामले में ये फरार था, केरल में छुप करके रह रहा था। और बामनवास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज उसको सेवा गांव से गिरफ्तार कर लिया। दिनेश मीणा इसका नाम है और ये सेवा का रहने वाला है। सालोदा मोड़ पर जल भराव, क्या कहना साहब, और जबकि मैं सभापति महोदय को कल ही वीडियो डाल चुका हूं कि सर नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं और पूरा पानी बहकर के सड़कों पर आ रहा है, आज तो स्थिति और भी गंभीर है। अर्जुन पैलेस जो है मैरिज हॉल वहाँ से लेकर के और आप अमरगढ़िया भवन तक देखिए सड़क की क्या स्थिति हो रही है। एक तरफ की सड़क तो पूरी तरह से जलमग्न है, तो उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और उन लोगों को इस समस्या से निजात मिले। ये समस्या बहुत लोगों के साथ में आ रही है इसकी सर्टिफिकेट की। पदम जी मैंने हाँ एक ये है, बिल्कुल आपने अच्छा ध्यान दिलाया मेरे को कि सर डोज लगने के बाद में जो सर्टिफिकेट है वो नहीं निकल रहा है, ड्यू दिखा रहे हैं, और कई लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसको लेकर के मैं कल BCMHO से ज़रूर बात करूंगा कि सर ये क्या मामला है, इसमें अपडेशन जो है वो क्यों नहीं आती। मैंने करवाया मेरा तो तुरंत ही सर 5 मिनट बाद ही सर्टिफिकेट आ गया था, और बहुत सारे लोगों के आ गए थे और बहुत सौ के नहीं भी आ पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है और किस तरह वो अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं इसकी पुख्ता जानकारी आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। चलिए, और करौली रेलवे फाटक आज बंद रहा 1 घंटे तक। बिल्कुल, इसमें एक मोटरसाइकिल सवार था और उसने तेजी से उसमें टक्कर मार दी जिसका उसका बूम क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया था बूम होता है, 1 घंटे से ज्यादा तक, और फिर बाईपास से लोगों को निकालना पड़ा। रेलवे के अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे, RPF के तिवारी जी पहुंचे, फिर बाद में कर्मचारी उन्होंने ठीक किया, जब जाकर ठीक हुआ वो। चलिए अब हम आते हैं हमारे डिबेट पर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने अभिभावक हैं और जितने विद्यार्थी हैं वो इस डिबेट से जरूर जुड़ें। अगर आपके जहन में कोई चीज़ आती है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से वो सवाल हमारे हमसे कर सकते हैं। तो से पहले अजय जी, गंगापुर सिटी में अमृत योजना की जो लाइनें चल रही है पानी आ रहा है, वो बहुत ही गंगापुर सिटी में पानी बहुत कम आ रहा है और गंदा भी आ रहा है, गंदा भी आ रहा है, और लोगों में पानी के लिए तराई तराई मच रही है। जैसे बोल गंदा लेकिन बहुत ही कम आ रहा है, जो पहले 5 MLD गंगापुर सिटी के लिए मिला करता था। अब हमने जब बात की लोगों से अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि नादौती की तरफ पानी डाइवर्ट कर दिया गया है, उसकी वजह से गंगापुर पर फर्क पड़ा है। तो हमारा अधिकारी से और सरकार से निवेदन है गंगापुर की पानी की पूर्ति नहीं, बिल्कुल वार्ड नंबर 12 से भी आज मेरे पास कॉल आया था कि सर 3 दिन हो गए और वहाँ पानी सप्लाई नहीं हुआ है। पूरे वार्ड नंबर 12 में नहीं, पूरे गंगापुर सिटी की स्थिति है खतरनाक, और बहुत कम पानी आ रहा है, 12-13 मिनट सप्लाई दे रहे हैं और वो भी बहुत मरा हुआ, बहुत कम प्रेशर में पानी आ रहा है सर। आप मतलब वही बात आई ना कि साहब दे तो रहे हैं मगर वो कैसे दे रहे हैं वो आप ही जाने सर, एक बाल्टी भी नहीं भर पा रही 15-20 मिनट से, तो ये कंडीशन है जो भी एक दिन छोड़ के एक दिन, और वो भी गंदा पानी आता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने डिबेट की और, एक महत्वपूर्ण डिबेट की और। पदम जी वो माइक मुझे आप दे जाएं ताकि अब मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको इन्वाइट करूं। शिक्षा,
बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और पिछले 1.5-2 साल से तो क्या कहें साहब, ऐसी मानसिक स्थिति हो गई अभिभावकों को भी और विद्यार्थियों की भी कि वो पता ही भूल गए अपने विद्यालय का कि मुझे जाना कहाँ है। बहुत व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक बेटा अपने बाप के साथ गाड़ी में जा रहा था और वो जो बिल्डिंग एक रास्ते में पड़ी तो उसको देख करके वो सोच रहा था कि इसे कुछ देखा तो है मगर ये है क्या, और वो पापा से पूछता है, पापा ये बिल्डिंग बहुत शानदार है, ये काई की बिल्डिंग है? तो पापा ने उसके एक चपाट लगाते हुए कहा कि बेवकूफ, ये तेरा विद्यालय है जहाँ तू पढ़ा करता था। तो इतना फर्क पड़ा है साहब मानसिकता पर। लेकिन सबके अपने अपने दर्द हैं, सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है, कहानियों में ट्विस्ट भी होते हैं और कहानियां दोनों तरफ से चलती है, क्लाइमैक्स क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन निजी विद्यालय अब खोलने के मूड में हैं पूरी तरीके से, सरकार का कहना क्या, शिक्षा मंत्री अपने वादों पर ज़्यादा खरे उतरते हैं नहीं, अपनी जवाब पर ज़्यादा टिकते हैं नहीं। पहले कहा 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, पता नहीं ऐसी कौन सी चिट्ठी आई कि शाम तक घोषणा हो गई कि साहब नहीं होगी और इनको प्रमोट किया जाएगा। चलिए साहब वो भी आपने अच्छा कर दिया। फिर आप कह रहे थे सरकार मंथन कर रही है पिछले एक सप्ताह से और 15 जुलाई से खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान, अब कह रहे हैं नहीं, अभी हम सोचेंगे और राज्यों के बारे में देखेंगे और फिर जाकर के निर्णय लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिन्होंने अब सरकार के खिलाफ भी चुनौतियां खड़ी कर दी है, और निजी शिक्षण संस्थान और अभिभावक जो हैं अब वो सड़कों पर आने लगे हैं। क्या कुछ कहानी है ये हम आज आपको बताएंगे अपनी डिबेट के माध्यम से। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, पहले भी हमारे साथ कई बार लाइव में आ चुके हैं और सम्माननीय व्यक्ति हैं शहर के, और लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं। शिक्षा संकुल परिवार जो है उसके जिला अध्यक्ष हैं अनुज जी, अनुज शर्मा सर आप आइए, वेलकम है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर, और सभी दर्शकों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं सर। थैंक यू सर। और यहां स्टूडियो है, भीड़ नहीं है, तो आप मास्क रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे जो प्रखर प्रवक्ता भी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और वार्ड पार्षद की भी भूमिका बड़ी ज़ोरदार निभा रहे हैं, वार्ड नंबर 49 से पार्षद हैं और अच्छे मित्र हैं हमारे, गोविंद पारासर जी शिक्षा संकुल परिवार जो है निजी विद्यालयों का उसके प्रवक्ता हैं और कई बार लाइव पर पहले भी आ चुके हैं। आइए सर सामने आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए अनु सर। सर पहले तो मुझे ये बताइए 1.5-2 साल से आप लोगों के स्कूलों की स्थिति क्या चल रही है, क्या पोजीशन में अभी हालात क्या हैं? अब 1.5-2 साल से तो आपको भी पता है और सभी नागरिकों को पता है कि विद्यालय पूर्णतः बंद हैं। लगभग 20 मार्च से और 25 जनवरी तक स्कूल पूरी तरह बंद थे। 25 जनवरी से घोषणा हुई कि भई आप 10वीं 11वीं 12वीं को बुला सकते हैं। हमने उनको बुलाया, उसके तुरंत बाद ही 10 दिन बाद 15 दिन बाद छठी से चालू कर दिया स्कूल। लेकिन 15 दिन बाद ही ये घोषणा होगी कि साहब एग्ज़ाम होने वाली है। एग्ज़ाम का जैसे ही सुनाया उन्होंने, तभी हमारे पैरों तले ज़मीन खसक गई कि अब क्या होगा। 25 जनवरी से तो स्कूल खुले बिल्कुल, और फरवरी में 6वीं से 8वीं तक के बच्चे आए, उनके बोर्ड के फॉर्म भरवा दिए 8वीं क्लास के, और फिर पता चला कि साहब एग्ज़ाम अप्रैल में है। एग्ज़ाम अप्रैल में है और अप्रैल आते आते कोरोना फिर दोबारा चालू हो गया। तो मुश्किल से 35 दिन स्कूल चले हमारे, उसके बाद फिर दोबारा बंद हो गए। अब स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली है। अच्छा गोविंद भैया, एक चीज़ जो सबसे तेज़ी से निकल करके आई है, कहाँ पाते हो सर इस 1.5-2 साल में बहुत सारी चीज़ों को कोरोना निकल गया, और ये स्वाभाविक भी है, वैश्विक महामारी थी, लड़ना आसान भी नहीं था। लेकिन अब अगर पोजीशन देखी जाए निजी विद्यालयों की, आप कहाँ पाते हो अपने आप को कि हम यहाँ खड़े हैं और दूर से ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सिर्फ तमाशबीन बन करके रह गए निजी विद्यालय या क्या कुछ चल रहा है? देखो अजय जी, इस समय तो स्कूल सबसे ज़्यादा स्कूल वाले परेशान हैं, जो हाई लेवल के स्कूल है उनकी तरफ ही ज़्यादा पलायन है, और गांव की स्थिति ज़्यादा नाजुक है। मैं क्या गांव से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ, क्योंकि आज भी मुझे अनुजी सर ने वनवास भेजा, तो मैंने जहाँ वहाँ की स्थिति देखी, स्कूल वालों की बहुत दयनीय स्थिति है। वो यहाँ तक कि जो रोजगार गारंटी जो ये चल रहा है अपना नेस्टॉल नरेगा, उनमें भी उनको नहीं लगाया जा रहा है, उनके टीचरों को स्कूल वालों को नहीं लगाया जा रहा है। अच्छा। उनकी ऐसी स्थिति हो रही है, वो उसमें भी काम करने को तैयार है, और आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। कुल मिलाकर के ये है कि बहुत बुरी स्थिति में है निजी विद्यालय। कई बार इस बात को मैं भी बता चुका हूँ, 12 से 13 लाख कर्मचारी हैं जो इनमें इन्वॉल्व थे सर, और जिनकी रोजी रोटी चला करती थी। अब एक चीज़ और है
कि चलिए ये तो ठीक है साहब, वैश्विक महामारी थी, हम लड़े भी, हम जूझे भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार के द्वारा पिछले 1.5-2 साल में कौन सा ऐसा राहत वाला काम किया गया था जो सीधा निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़ा था? कहीं से कोई ऐसी राहत वाली खबर आई पिछले 1.5-2 साल में? कोई राहत हमें नहीं मिली। हमने काफ़ी मांग की थी कि भी हमने बालिका फाउंडेशन में जब हमें एफिलिएशन मिलती है तो हमारी FDI जमा होती है, बिल्कुल हमें उसमें FDI से राशि मिल जाए 1 साल के लिए, फिर हम वापस उसको जमा करा देंगे, तो कोई उसका हमको प्रतिफल नहीं मिला। दूसरा हम लोगों ने ये मांग की थी भाई स्कूल अब चालू हो रहे हैं, बसों की फिटनेस होगी, इंश्योरेंस होगा, तो इसमें थोड़ी छूट मिल जाए, जबकि प्राइवेट बसों को उन्होंने छूट दे दी, उनको छूट दे दी, लेकिन हम लोगों को कोई रियायत नहीं दी। अच्छा। हम लोगों ने ये कहा भाई पानी बिजली के जो बिल आ रहे हैं उसमें थोड़ी राहत मिल जाए, तो उसमें भी कोई राहत नहीं मिली। और जहाँ तक कि हमने हमारे शिक्षकों के लिए, जबकि उन्होंने मजदूरों के लिए और भी कई प्रकार के कर्मचारियों के लिए कुछ राहत कोष दिया, लेकिन हमारे स्कूल शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली, उससे हम बहुत आहत हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी, आपने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था और शायद फिर आंदोलन की राह भी पकड़ी थी, RTE का जो पैसा है कि साहब RTE का पैसा जो है वो लंबे टाइम से फंसा पड़ा है, आप कुछ तो रिलीज़ कर दो, तो सरकार ने उसमें तो रिलीज़ किया था शायद कुछ पैसा। हाँ, कुछ रिलीज़ किया था, लेकिन उसमें भी लगभग 60% स्कूलों को तो मिल गया। अच्छा, 40% स्कूल अभी भी बकाया है। उन्होंने 18-19 का तो अभी दिया ही नहीं है सेकेंड किस्त, उन्होंने उसकी जगह लॉलीपॉप पकड़ा दिया 19-20 का पैसा, जिससे 18-19 वाले शांत हो जाए कि भाई 19-20 तक का हमने भुगतान कर दिया, कोर्ट में भी जाएगा तो हम वही हम भुगतान कर रहे हैं। और अब स्थिति ये होगी कि भाई बाद में कि साहब हमारा पैसा ख़त्म हो गया, बजट आएगा उसके बाद पैसा मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। और 2021 दोबारा चालू हो गई, 2021 चालू हो गई, उसका अभी तक कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है और कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि हमें पैसा कब तक मिलेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपको 31 जुलाई तक भुगतान करना है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। तो मतलब कई जगह तो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई चल जाती है और जब बात अपनी आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। अब बात आती है एक चीज़ और कि गोविंद भाई आप कह रहे थे और पढ़ा भी है सुना भी है, सरकार ने आदेश भी निकाल दिए कि साहब अभी ये सारे बच्चे जो हैं वो प्रमोट हो जाएंगे, आपको लगता है सरकार निर्णय लेने में कहीं ना कहीं देरी कर रही है या उतनी संवेदनशील नहीं है? मेरे हिसाब से 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम तो लेनी चाहिए थी और कक्षाएं प्रमोट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको क्या एग्ज़ाम होती तो निजी स्कूलों को फ़ायदा होता, इनकी फीसें भी गाँव में फीस भी आती और कुछ ये उनका रोजगार भी चलता उनसे और अपनी व्यवस्थाएं होती। अब एक नया जिन और निकल करके आ गया कि साहब 8वीं तक के बच्चे जो हैं वो सरकारी विद्यालयों में जा सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, कैसे किस रूप में देखते हैं आप इस निर्णय को? सर ये निर्णय बिल्कुल गलत है सरकार का। सरकार निजी स्कूलों को ख़त्म करने की पूरा प्रयास कर रही है। अब दोहरा नामांकन हो रहा है गाँव के अंदर कि बच्चे सरकारी स्कूल में भी एडमिशन है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है, स्कूल बंद है, दोनों जगह नामांकन चल रहा है। राज्य सरकार उसको बढ़ा रही है कि हमारे यहाँ छात्र संख्या इतनी बढ़ गई, नामांकन इतना बढ़ गया, लेकिन ये वास्तव में पता नहीं है हमारे पास बच्चे कितने, न तो उनको पता और न निजी स्कूलों को भी ये मालूम नहीं है हमारे पास कितने बच्चे हैं। और जो इन्होंने जो 1 से 8 तक का जो अभी लगाया है ये आदेश बिल्कुल सरासर गलत है कि अब RTE के अंदर भी ये प्रावधान है, बच्चा यदि पढ़ाए किसी भी स्कूल में तो उसको TC की आवश्यकता है, TC उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि बालक नहीं पढ़ाए तो उम्र के हिसाब से उसका एडमिशन हो जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ा तो TC उसको देनी है, तो ये नियम तो वैसे ही गलत है। तो इसका तो हमने आज पूरे ज़िले में क्या पूरे प्रदेश में इसका पूरा विरोध किया है और ज़िले के अंदर अनुज जी सर के नेतृत्व में हमने सभी ब्लॉकों में ज्ञापन भी दिया है और हम इसकी पूरी जोर शोर से। बिल्कुल, और जिला करौली सहित कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ से हमारे पास में भी बोली से भी हमारे संवाददाता ने वहाँ से फुटेज भेजी थी हमारे पास में कि वहाँ भी निजी शिक्षण संस्थान जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है, विरोध किया है कि ये निर्णय जो है वो गलत है। अनुसर आप खुद एक अच्छे प्रशासक भी रहे हैं और जिले का एक प्रतिष्ठित जो संस्थान है भगवती शिक्षण संस्थान उसके ऑनर रहे हैं, आपको लगता है प्रशासनिक स्तर पर शायद सरकार अच्छे निर्णय नहीं ले पा रही है या सरकार के जो निर्णय हैं वो कई बार हास्यास्पद साबित हो रहे हैं? हमने तो जो अब तक देखा है सरकार ने जब से अपना कार्यभार संभाला है निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं है, जबकि हम लोगों ने एक तरफा इस सरकार को वोट दिए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये घोषणा की गई थी भाई हमारे जो भी नियम है जो हमने इनके पास भेजे हैं इन्होंने अपने उसमें वोटिंग उसमें लिया है कि भाई ये हम पालना करवाएंगे, ये आपके कार्य हो जाएंगे। उसके बावजूद भी हमने ये देखा है कि
गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, वो ये दिखाना चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं और प्राइवेट स्कूल नकारा है, जबकि ये गलत है। अच्छा, कई बार पॉलिसियों को लेकर के भी मन क्षुब्ध होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट वही हैं, ठीक है कोई निजी शिक्षा संस्थान में पढ़ रहा है, कोई आपके सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन दोनों के लिए पॉलिसीज अलग हैं, योजनाएँ अलग अलग हैं। एक वर्ग ऐसा है जिसको योजना का लाभ मिलता है, दूसरा वर्ग ऐसा है जिसको उससे वंचित रखा जाता है। तो आज से नहीं हो रही, तो पहले से चला आ रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। क्या आपको लगता है ये ठीक है एजुकेशन के अंतर्गत ये जो भेदभाव वाली जो चीज़ें चलती हैं? नहीं, बिल्कुल अनुचित है ये। शिक्षा के लिए सरकार का स्वयं का वो है, चिकित्सा शिक्षा सबको फ्री मिलनी चाहिए और इनकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा ना करके और हम लोगों के ऊपर दबाव बनाकर ये हमारा शोषण कर रही है। कुल मिलाकर के ये है, देखिए कि ये लड़ाई आज की नहीं है, सरकारें चाहे कोई भी रही हो, मगर शायद उतनी संवेदनशीलता, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई सरकार त्वरित निर्णय कर लेती है, कोई सरकार त्वरित निर्णय नहीं कर पाती। और पिछले 1.5-2 साल से तो खैर कोरोना ने बहुत कुछ डिस्टर्ब करके रख दिया। अब आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था वो किस संदर्भ में था और प्रमुख मांग है क्या? हमारी प्रमुख मांग ये है कि अभी हमारे शिक्षा निदेशक जी द्वारा एक हास्यास्पद आदेश निकाल दिया कि बिना TC के 1ली से 8वीं तक प्रवेश गवर्नमेंट स्कूल में दे दिए जाएं, जबकि विभाग द्वारा हमारे शिविरा पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि जो बच्चा पहले पढ़ चुका है या कहीं पढ़ रहा है वो बिना TC के कहीं एडमिशन नहीं ले सकता। और उस आदेश को नकारा करते हुए अब जब शिक्षा मंत्री से आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया है, अजी साहब वो मोदी जी ने भी तो सब बच्चों को पास कर दिया कोरोना में, इसलिए हमने ये भी आदेश कोरोना के तहत निकाल दिया। तो ये एक हास्यास्पद ही है। अच्छा, और एक RTE को लेकर के? RTE को लेकर जब गवर्नमेंट ने सब बच्चों को पास कर ही दिया, बच्चा 4वीं से 5वीं में आ गया, 5वीं से 6वीं में आ गया, जब बच्चा पास ही हो गया तो उसमें भौतिक सत्यापन की आवश्यकता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो बच्चा विद्यालय में पंजीकृत है उसको बहुत उसको RTE का पैसा मिलना चाहिए। हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी, हमने पूरे सेशन उसका नाम चलाया, उसको ऑनलाइन शिक्षा दी है, ऑफलाइन शिक्षा दी है, जो बच्चा जुड़ा उसको ऑनलाइन शिक्षा दी है, जो नहीं जुड़ पाया उसको ऑफलाइन शिक्षा दी है। हमारे टीचर्स ने घर घर जाकर भी बच्चों से संपर्क किया है, उनको आश्वस्त किया है भाई कि हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जो भी जुड़े हुए हैं बच्चों से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी अब ये प्रश्न आ रहा है कि साहब आप पोर्टल पे ये भरिए कि आपने ऑनलाइन क्लास लिए, तो हमने उस पोर्टल को भी भर दिया। अब समस्या ये आ रही है पोर्टल पे उन्होंने रेड 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 पूरा कर दिया। क्यों कि साहब ये बच्चे ऐसा लग रहा है कि जो RTE वाले बच्चे जिनका भुगतान हमें करना है सरकार को, कि ये बच्चे शायद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने सब जगह पूरे राजस्थान में जितने भी स्कूलों ने पोर्टल भरे उसमें रेड रेड का निशान लगा दिया। इनकी जांच होगी, जांच होने के बाद आपको भुगतान होगा, जबकि हम ये कह रहे हैं बच्चे पंजीकृत हैं। ये तो चलो इस साल का मामला है, आपके पास तो अभी तो पिछला ही बकाया पड़ रहा है भाई, उसको तो दे दो। अभी वो ये कह रहे हैं साहब बजट आएगा उसके बाद देंगे, और उन्होंने एक और ये कर दिया कि भाई 18-19 का पैसा इसलिए रोका हुआ है कि भाई 30 नवंबर के बाद आपने क्लेम बिल भरा था। अब जब पोर्टल खुला हुआ है, क्लेम बिल जारी है, तो फिर हम तो कभी भी भर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई डेट थी नहीं कि भाई 30 नवंबर तक ही आपको भरिए, जब पोर्टल खुला हुआ है तो हम भर सकते हैं। ऐसा ही 19-20 में हुआ है। 19-20 में यह है कि भाई पैसा तो जारी हो गया, बजट आ गया, लेकिन जो टाइम से नहीं कर पाए वही डेट का इसमें भी फंदा लगा दिया, बेवजह का इशू। हाँ, जबकि भुगतान करना है और करना चाहिए, बच्चों को हमने पढ़ाया है। चलिए, ये इनका अपना दर्द है और ये वाजिब भी है अपनी जगह। अब एक चीज़ अभिभावक की भी निकल करके सामने आती है, अभिभावक का अपना दर्द है और अब अभिभावक जो हैं वो भी लामबंद होने लगे हैं कि साहब अब विद्यालय फीस मांगने का तगादा सख्ती से करने लगे हैं और हम फीस देने में समर्थ नहीं हैं। उसके लिए हमने पहले भी आप ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें बताया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा हमें एक मीटिंग में बुलवाया था, मीटिंग में ये निर्णय हुआ था कि भाई आप 70% 30%, जबकि राज्य सरकार ने तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100% फीस का कह दिया, भाई आप 100% फीस ले सकते हैं, फिर भी हमने गार्जियन को और बच्चों को देखते हुए हमने 30% की छूट दे दी। उसके बाद भी
अगर जो भी गार्जियन अगर वास्तव में गरीब है वो हमसे आवेदन करता है तो हम उसको वाकायदा उसको छूट देंगे, और कहीं पे भी पढ़ रहा हो गंगापुर सिटी में, मादापुर में या पूरे राजस्थान में, उसको हम सहयोग करेंगे। अच्छा, एक दर्शक ने हमारे पूछा है कि पिछली साल की जो फीस है उसमें छूट मिली है या नहीं मिली है? पिछले साल की छूट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100% फीस लेने का कहा है, फिर भी हमने 15% छूट दे दी। उसके बाद 15% छूट देने के बाद भी और 15% हमने हमारे स्कूल शिक्षा परिवार की तरफ से छूट दे दी है, तो हम 70% फीस लेने का हक रखते हैं पिछले साल। लेकिन फिर भी यदि कोई गार्जियन ऐसा है वास्तव में परेशान है और उसके गार्जियन के पास पैसा देने के लिए नहीं है तो उसके लिए भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा देखिए, ये पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है, आप अगर प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रखेंगे, देखिए मैंने एक बात कही थी, ये चोली दामन का साथ है सर, इस तरह नहीं कि कोई महामारी आई, कोई विपदा आई और हम एक दूसरे से जुदा हो गए या अलग हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभिभावक देने में समर्थ है वो तो दें, और जो देने में समर्थ नहीं है, हमने पहले भी एक डिबेट में ये कहा था कि 70% फीस ही निजी शिक्षण संस्थानों के द्वारा ली जा रही है, एक बात। दूसरी बात, कई विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने ईएमआई बना दी, भाई किस्तों में आप दे दीजिए, 8 किस्तों में 9 किस्तों में आप दे दीजिए, वो एक राहत दी है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी निजी शिक्षण संस्थान अपनी मनमानी करते हैं सर, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनमें से आती है शिकायतें, तो फिर उनके बारे में क्या किया जाए? नहीं, मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि ऐसा कोई सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो मनमानी कर रहा है। अगर ऐसा कोई एक भी केस हो तो हमें बताइए, हम उसके पास जाएंगे, उसको समझाएंगे, वो किसी तरह की परेशानी पैदा नहीं करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो कुल मिलाकर के है कि ये साथ बना रहे और ये साथ बहुत जरूरी भी है। अच्छा गोविंद जी, एक बात मुझे बताइए, अब किस मूड में है निजी विद्यालय, क्योंकि यहां तक भराया आप गला है ना, 1.5-2 साल में मानसिक रूप से तो पहले ही परेशान थे, फिर दूसरी बात कि सरकार के कुछ डिसीजन भी ऐसे आए कि जिनसे कहीं ना कहीं आत्मा क्षुब्ध हुई निजी शिक्षण संस्थानों की, अब क्या प्लानिंग रहने वाली है? अभी तो स्कूल खुलने को लेकर के सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सर, स्कूल तो खोलना चाहते हैं सारे स्कूल वाले, ये चाहते हैं स्कूल खोलें, लेकिन सर अभी अभिभावक तो ये कह रहे हैं कि अगर टीकाकरण नहीं होगा तो मैं तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, अब सरकार क्या करे? अब सर इसका तो ये है, टीकाकरण तो होगा और जैसे 9 से 12 तक के भी स्कूल तो अभी खोल के देख लें, और अन्य राज्यों में भी खोल रहे हैं सर, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में दोनों में 15 तारीख से स्कूल चालू कर दिए हैं, 9 से 12 की क्लास चालू हो चुकी है, तो हम भी ये चाहते हैं हमारी क्लास चालू हो जाए। और फिर सर सरकार की एक नीति भी मुझे भी आता है, जैसे इनका पोर्टल आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इनका जो पोर्टल होता है तो जो शाला दर्पण होता है इसको तो खोल के रखते हैं 12 महीने, उस पर ये एंट्री कर सकते हैं, अपने स्टूडेंटों को एडमिशन लेते हैं उस पर एंट्री कर देते हैं, और हमारा जो पीएसपी पोर्टल है उसको ये बंद कर देते हैं समय आते ही, जिससे आज 21 तारीख को ही वो बंद कर देंगे, किस तारीख तक की डेट है एडमिशन की उस दिन उसको बंद कर देंगे, और इस तरीका भेदभाव ही हमारे साथ सरकार कर रही है जो भी बहुत अनुचित है। ये जो पोर्टल की दुनिया ना साहब, इसका बड़ा तगड़ा लफड़ा है, पोर्टल अगर जी न्यूज़ पोर्टल है तो चलेगा, दौड़ेगा और आम आदमी के मुद्दे उठाएगा, लेकिन अगर पोर्टल खाद्य सुरक्षा का है और 1.5 साल से बंद चल रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए गेहूँ नहीं मिल पा रहा। शिक्षण संस्थानों के पोर्टल की अगर बात करें तो सरकारी महकमे का पोर्टल खुला हुआ है मगर निजी शिक्षण संस्थानों का पोर्टल है बंद, तो ये पोर्टल बड़ी गजब चीज़ है साहब, और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि पोर्टल है क्या चीज़। चलिए अनु सर, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, क्या किया जाएगा और कब से स्कूल खुलने का मूड है? आपके अब जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो साफ कह दिया सरकार अगर इजाज़त नहीं देगी तो भी हम 16 तारीख से तो खोलेंगे। मैं समझता हूँ हमारी जो बातें हैं आज जो हमारा पूरा दिन ज्ञापन कर रहा है उससे ऐसा महसूस होता है कि राज्य सरकार हमें राहत देगी और 21 तारीख से हमारे विद्यालय आवश्यक रूप से खुल जाएंगे, और अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आदेश आया कि स्कूल खोलने का तो हम सरकार का विरोध करते हुए स्कूल खोलेंगे। बिल्कुल स्कूल खुलना जरूरी हो गया। अच्छा क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, स्कूल अगर खोलें जैसे 9 से ऊपर तक के कॉलेज तक के खुल जाएं, एक तो क्योंकि वो तो समझदार बच्चे होते हैं, गाइडलाइन का पालन भी करेंगे, ऑड इवन का फार्मूला भी हो सकता है, आज इन बच्चों को बुलाया जाए कल उन बच्चों को बुलाया जाए, क्या फार्मूला आप अपने दिमाग में रखते हैं? पहले भी हमने यही फार्मूला अपनाया था जो राज्य सरकार ने कहा था, भाई आपको इवन ऑड का रखना है, तो वो हमने उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया, और यहाँ तक कि हमने राज्य सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी भी हम तो 3-3 घंटे बच्चों को पढ़ा लेंगे। हाँ, बिल्कुल। हम चार पारियों में और 5 पारियों में स्कूल चला लेंगे, तो उससे क्या है बच्चे आराम से दूर दूर पढ़ेंगे भी और हमारा भी जीवन यापन होगा, बच्चा भी कुछ सीखेगा, हमारा टीचर्स भी बिजी हो जाएगा, वो महरूम नहीं होगा एजुकेशन से।
तो ये एक विकल्प हो सकता है और बेहतरीन तरीका हो सकता है। और इस मंच से आज कुछ आश्वासन मैं भी अभिभावकों को देना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि फीस को लेकर के बिल्कुल मानसिक तनाव ना लें, ये ध्यान रखें सर। इन विद्यालयों से आप जुड़े हुए हैं ना, उतने ही ये विद्यालय आपसे जुड़े हुए हैं। आप अगर प्रॉपर तरीके से अपनी समस्या रखेंगे तो डेफिनेटली विद्यालय जो है आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। और इस 1.5-2 साल की जो महामारी थी ना, इसने शायद कहीं ना कहीं छोटे स्कूलों को तो निगल लिया अनु सर। बिल्कुल निगल लिया। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो तबाह हो गए और बंद हो गए। स्कूल वाले जो छोटे स्कूल थे, जो किराए की बिल्डिंग में चलते थे, तो उन्होंने अपना रोजगार ही बदल लिया। वो या तो कुछ अपना काम शुरू कर लिया उन्होंने, या फिर कोई मजदूरी करने लग गए। कई तो पिछले साल भी अपने एक हाँ, उदाहरण आपने भी देखा था कि आपके साथ एक मित्र था जो गुलकंदी स्कूल में हाँ, पढ़ाता था, और उसको आपने ठेले पे सब्जी बेचते हुए देखा, फल बेचते हुए देखा। तो ये स्थिति हो गई है प्राइवेट स्कूल्स के संचालकों की भी और शिक्षकों की भी। कुल मिलाकर के ये है कि एक ऐसी अंधी दौड़ थी साहब, और चल तो रही थी सर। कंपटीशन जो चल रहा था ना, वो भी बड़ा अंधा चल रहा था प्राइवेट स्कूलों के बीच में। और फिर वक्त की ऐसी आंधी आई साहब कि जो छोटे पेड़ थे, पौधे थे, वो फना हो गए, और जो बड़े दरख्त थे वो आज भी खड़े हैं। अब ये देखना पड़ेगा वो कब तक खड़े रहते हैं, क्योंकि इतना लड़ना आसान भी नहीं है। अभी तो सरकार हाँ, ज़्यादातर दर्शकों का मानना है कि स्कूल खुलना चाहिए। यस, और हमारे जितने भी जागरूक दर्शक हैं ना सर, वो तो यही कह रहे हैं कि साहब स्कूल अब खुलने ही चाहिए। बहुत कुछ हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी है ना ऐसे ऐसे वीडियो आने लग गए कि है ना, अब माँ बाप भी परेशान है बच्चों से कि अब इनको ले जाओ, क्योंकि उनको आप ही संभाल सकते हैं, हर कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी ऐसा हम मानते हैं, और बच्चे स्कूलों में लौटें, रौनक लौटे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, आज की जो पोजीशन है आपने भी बताई थी कि राजस्थान में मात्र 33 केस आए हैं। हाँ बिल्कुल, तो बहुत राहत की खबर है। और इससे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से, कि राज्य सरकार को सोचना चाहिए। जब आपने स्कूल वो खोल दिए, मार्केट खोल दिया, जिम खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, और कल तो लॉकडाउन भी हटा दिया, कल वीकेंड कर्फ्यू हाँ वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया, तो अब बच्चों को भी बाहर निकलने दें, कि बच्चे बहुत परेशान हैं। मैंने ये महसूस किया है कि मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो अपने पापा को मोबाइल देता ही नहीं है। उसकी आँखें इतनी कमज़ोर हो गई है, और माँ बाप दोनों इतने दुखी हैं, जैसे उससे मोबाइल मांगते हैं वो रोने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, है ना, मेंटली जो mentally, है ना बच्चे हाँ। वो आदी तो हो गए, लत लग गई बिल्कुल। बच्चे उससे परेशान नहीं होंगे कोरोना से, इससे ज़्यादा परेशान है। चलिए, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को बहुत जल्दी छोटी क्लास से और बड़ी क्लास तक सभी ओपन कर देने चाहिए, जिससे बच्चा एक जरूरी गाइडलाइन हाँ, के साथ और प्रोटोकॉल के साथ आप कर दें। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से निजी शिक्षण संस्थान जो है ना, वो तो कम से कम रूल फॉलो करेंगे ही करेंगे, और वो जो अभिभावक हैं वो भी जागरूक हैं। आजकल तो ऐसी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जिन चीज़ों से विद्यालय दूर रहता था और जिन चीज़ों से बच्चों को दूर रखा जाता था, आज वक्त की ऐसी आंधी चली कि वही चीज़ें अब बच्चों की लत बन गई, और मोबाइल पर बच्चा बहुत वक्त गुजारने लगा है। मैं हमेशा कहा करता था कि अगर बच्चे को एक अच्छे संस्कार देने हैं आपको और अच्छी लाइन में रखना है ना, तो मोबाइल से दूरी बना करके रखें। लेकिन समस्या ये हो गई कि जो चीज़ पहले सिर्फ टच पे रहा करती थी, आज वो चीज़ टच में रहने लग गई, और इतना फ़र्क आ गया। शब्द एक है मगर अर्थ बहुत गहरे हैं। चलिए, उम्मीद ये करते हैं बहुत कुछ अच्छा होगा और ज़िंदगी फिर से मुस्कराएगी। अच्छा, अब तो मानसून भी आने लग गया, तो बारिश भी है, गर्मी से भी राहत मिलेगी। और उम्मीद ये कर रहे हैं शायद 21 तारीख से, क्योंकि अभी सरकार शायद एक सप्ताह का टाइम और लेगी रिव्यू करने के लिए, है ना, और उसके बाद में शायद 21 तारीख से सब कुछ खुल जाए और बच्चे वापस स्कूलों में पहुँचे। गोविंद जी, क्या कहना चाहोगे? सर बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं स्कूल खोलें। लोगों के चेहरे पर भी फिर से मुस्कुराहट फिर सर, हमारा तो क्या है कि स्कूल छोटे स्कूल खत्म होने के कगार पर आ रहे हैं सर, कहाँ तक क्या करें ये बताओ तुम, सर्वाइव कर तक करें तो लड़ने की अब बहुत ज्यादा ताकत रही नहीं, कहाँ तक क्या कहाँ से लाए। अगर तीसरी लहर आ गई तो हम तो ये कह रहे हैं जब तक लहर नहीं आ रही है, मैं समझता हूँ पहले भी 3 महीने का टाइम दिया था लहर ने, तो अब भी किरदार तो हम 3 महीने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट दे देंगे उनको, उसके बाद फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा चालू कर देंगे, तो हमारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा, बच्चे भी पढ़ने लिखने लायक हो जाएंगे, और हमारा सब काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के वो गाना है ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
तुम रहे ना तुम और हम रहे ना हम, इतना कुछ बदल गया साहब हालात में। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं बच्चे वापस स्कूलों में पहुँचें, विद्यालयों में पहुँचें। और आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी पेरेंट्स हैं कि सर धीरे धीरे अब ये कोशिश करें कि बच्चे से मोबाइल को दूर ले जाएं, क्योंकि अब ऑफलाइन का टाइम आने वाला है। ये जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस था ना सर, ये सही साबित नहीं हुआ। मैं तो इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, ये अच्छा प्रयोग नहीं था। हाँ, पर क्या करें, विकल्प था इसलिए वो विकल्प आजमाना पड़ा, तो वो चीज़ है। लेकिन सब कुछ पहले की तरह ठीक होगा और कोई तीसरी लहर नहीं है साहब। टीकाकरण चल रहा है, केंद्र सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि डोजेज लगातार भेजते रहें, तो कम से कम लोग जिस उत्साह के साथ आज गंगापुर सिटी में टीकाकरण करवा रहे हैं ना, और पूरे देश में करवा रहे हैं, तो वो सिलसिला रहे और लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हो कि नहीं देखते, ये सवाल मैं सबसे पूछता हूं, तो आपसे ज़रूर पूछूंगा। बिल्कुल सर, मैं देखता हूं। नहीं, झूठ मत बोलना। नहीं, वास्तव में देखता हूं। हाँ, हम चैनल पर जो कहते हैं ना, सच कहते हैं और सच ही सुनते हैं, अच्छा लगता है हमको। और ये तो सर अनुज जी सर जानते हैं कि मैं मोबाइल का शौकीन हूँ और चलाता देखता रहता हूँ। आप अनुज जी से। और आपकी पार्षदी सर बिल्कुल बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं तो उसमें तो कोई कमी छोड़ना। हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। नहीं, अच्छी बात है। और युवा हैं, जागरूक भी हैं, तो सक्रिय रहना भी चाहिए अपने वार्ड में। सर मेरा एक जिम्मेदारी दी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ऊपर तो सानिध्य भाई साहब का, किस तरीके से मेरे को गाइड करते रहते हैं अनुजी सर, की वार्ड के अंदर तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा वार्ड में संतुष्ट का पूर्ण काम करने के लिए। कुछ लोगों की मुस्कुराहट बड़ी कातिल होती है गोविंद जी, और शायद मेरे ख्याल से इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं। क्यों सर, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पत्रकारिता ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, फेस रीडिंग करना। लेकिन चलो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा। आप देखते हैं कि नहीं देखते, आपको टाइम कम मिलता होगा? बिल्कुल देखता हूँ। और मैंने आपके चैनल पर वो बजरी इसका चूरी वाला जो वो देखा था, उससे बहुत महंगा हो गया हमको, वो नहीं मिल रही। अच्छा, बजरी नहीं मिल रही, रेत नहीं मिल रही हमको। नहीं, पर अच्छा एक चीज आपने एक अच्छा प्रश्न छेड़ा है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था सर, और मीडिया में भी आया था कि सरकार जो है वो बजरी खनन जो है उसको चालू करने वाली है, मगर ताज्जुब के अभी तक उस बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया है। और वो जो लूट थी ना सर, वो तो सीधी सीधी लूट थी, पत्थर वालों से जो हो रही थी, और वो एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि बहुत खतरा झेल करके मैंने वो न्यूज कवर की थी, पर अच्छी न्यूज थी। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं, बिल्कुल, और इसी तरह अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। और हम भी लोगों से यही कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपना जो भी है आप हमें दीजिए सहयोग, और हम आपका करते रहेंगे। आप असली ताकत हमारी आप हैं, हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है सर, हमारे दर्शक हमारे रिपोर्टर हैं, मगर सच्ची खबरें भेजें, अपने पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी के साथ में कोई खबर ना भेजें, ये कोशिश आप जरूर करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया और उम्मीद ये करें कि आप धन्यवाद जी, हम आपसे प्रभावित हैं। और नहीं, मेरे तो टीचर मेरे गुरु रहे और सीखा इन्हीं से है मैंने। अपन तो मित्र रहे हैं दोनों, साथ साथ रहे, साथ साथ खेले कूदे। अनुज सर से मैंने सीखा बहुत कुछ है, और मार भी बहुत खाई है सर, है ना, मेरी पिटाई बहुत जबरदस्त लगी है, और शायद वो हुनर भी मैंने इनसे सीखा था पीटने का, कि जब मैं टीचर बना तो ऐसा मेरे स्टूडेंट आज कहते हैं कि सर मार बहुत बुरी लगाते थे, क्योंकि मैंने भी तो मार बहुत खाई थी सर, तो वो कहीं तो निकालना था। पर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, तो हम भी अपना काम जो है ईमानदारी के साथ में और पुख्ता तरीके से करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू तो आपको है, आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया, और हम बच्चों को और हमारे गार्जियंस को कुछ कह पाए, सूचना दे पाए, कुछ कह। बिल्कुल, अच्छा ये जज्बात बहुत टाइम से दबे पड़े थे ना सर, और मैं तो आपके माध्यम से हमारे गार्जियंस को, हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों से ये कहना चाहूंगा, विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये बीमारी बिल्कुल जाने वाली है, और जल्दी हम संपर्क में रहेंगे, और हम जो जिस तरह से हम आपको वैसे प्यार करते थे वैसे प्यार करके बिल्कुल, और जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी। और जगजीत सिंह साहब की वो गजल है ना, वो याद आती है मुझे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, और भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो पानी आने लगा है, कश्तियाँ फिर दौड़ेंगी, और कुल मिलाकर के मंजिल जरूर मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये थे हमारे साथ में शिक्षा संकुल परिवार से अनुज जी और गोविंद जी, और बहुत सारे मुद्दे थे। उम्मीद ये करता हूँ आज की डिबेट आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना सर, और हर जगह हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे, हर पेरेंट्स तक ये खबर पहुँचे, हर स्टूडेंट तक पहुँचे, उन्हें मोटिवेशन मिले, और दिमाग की जो गंदगी है वो बाहर निकले, और ज़िंदगी फिर से हंसे मुस्कराए, और वही कहे डियर ज़िंदगी हम फिर से लौट कर आएंगे अपनी अच्छी दुनिया में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ना सिर्फ अनछुए पहलू को, बल्कि दिन भर जो खबरें चलती है उनको भी। और हमसे अगर कोई शिकायत है तो बेझिझक हमें बताइए, लेकिन अपनी समस्याएं भी हम तक ज़रूर भेजिए। हम हर खबर का ध्यान रखते हैं, महत्व रखते हैं, चाहे आपको जवाब मिले या ना मिले।
मगर जहन में दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है सर आप लोगों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। पदम जी एक मिनट, जाते जाते आप भी एक बार दर्शकों से रूबरू हो जाइए और ये वादा करके जाइए कि अब आप लापरवाही नहीं करेंगे काम में। बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, समाचार समय पर देते रहेंगे। बिल्कुल, और यहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल है ना, खाना खा के सोने की आदत है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।